हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय। इस चैनल न्यू गैजेट्स यूज में आपका स्वागत है। फाइनली जो है सैमसंग ने अपना एक ऑफलाइन मार्केट के लिए मतलब एज जो सीरीज होती है सैमसंग की ऑफलाइन मार्केट में जो है काफी किलर होती है, उसी वाली सीरीज का जो है एक ए सीरीज का A31 जो है न्यू डिवाइस लॉन्च कर दिया है ऑफलाइन मार्केट के लिए इंडिया में। और देखते हैं कि यार क्या परफॉर्मेंस रहता है सैमसंग गैलेक्सी A31 का, जिसका एक की वेरियंट आता है जो कि है 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, जिसका ऑफिशियल प्राइस है 21,999 रुपीज, मतलब 22,000 रुपीज का जो है सैमसंग गैलेक्सी A31 आपको मिल जाएगा। कर लेते हैं जल्दी से इसके अनबॉक्सिंग और परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि कैसा आपको ये परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो आपको जो है बॉक्स कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिल जाएगा, जहां पर कॉर्नर पे लिखा है सैमसंग A31 की जो है इमेज लगी हुई है एंड साथ में जो है A31 लिखा हुआ है। देखते हैं बॉक्स के बैक साइड में, तो बॉक्स के बैक साइड में जो है कुछ भी यहां पे की फीचर्स जो है हाईलाइटेड नहीं है। बॉक्स के राइट एंड लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A31 लिखा हुआ एंड बॉक्स के नीचे साइड में लिखा हुआ है यहां पे कुछ क्वांटिटी जो कि है यहां पे मॉडल नंबर एंड इसके अलावा जो है यहां पे कंटेंट लिखे हुए हैं कि आपको जो है मोबाइल फोन मिल जाएगा, एडाप्टर मिलेगा एंड हेडफोन जो मिलेगा एंड इसके अलावा जो है केबल मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको जो है एक इंजेक्ट पिन, यूजर मैनुअल गाइड एंड एक आपको जो है बैक केस जो है देखने को मिल जाएगा। तो कर देते हैं इस फोन को जल्दी से अनबॉक्स और देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस आपको जो है सैमसंग गैलेक्सी A31 का जो है देखने को मिलने वाला है। तो बॉक्स को अनबॉक्स करते ही सबसे पहले मिलता है हमें एक यहां पर एक डिवाइस, जिसको हम करते हैं यहां से ओपन एंड इसको करते हैं रैपर से रिमूव और देखते हैं कि यहां पर जो है A31 का जो परफॉर्मेंस एंड लुक एंड फील जो है कैसा दिखाई देगा। मतलब यहां पर मैं देख रहा हूं इसका जो है फोन जो है काफी लाइट वेट बनाया गया है। स्टिकर को पहले कर देता हूं मैं यहां से रिमूव एंड ये स्टिकर को हटाया, इस डिवाइस को रखता हूं मैं एक बार साइड में और देखते हैं कि यार इसके अलावा जो है बॉक्स में क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। बॉक्स में आपको मिल जाती है केबल जो कि है टाइप सी पोर्ट के साथ में एंड इसके अलावा आपको जो है यहां पे नॉर्मल सी ईयरफोन मिल जाते हैं, मतलब यहां पे ईयरबड्स वाले ईयरफोन नहीं है, जो नॉर्मल प्लास्टिक वाले ईयरफोन आते हैं वही आपको जो है इसमें देखने को मिल जाते हैं सैमसंग गैलेक्सी A31 के साथ में। इसके अलावा एक अडेप्टर है जो कि है फास्ट अडेप्टर, जहां पर हम आउटपुट की बात करते हैं तो 9 वोल्ट और 1.67 एम्पीयर का मतलब 15 वोल्ट का आपको जो है यहां पे चार्जिंग सपोर्ट जो है देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा आपको जो है यहां पर एक केस भी जो है देखने को मिल जाता है जो कि है यहां पर सिम इंजेक्ट टूल पिन एंड इसके अलावा आपको यहां पर जो है केस जो है ट्रांसपेरेंट एंड यूजर मैनुअल गाइड जो है देखने को मिल जाती है। सभी कंटेंट को करते हैं साइड में और देखते हैं कि परफॉर्मेंस जो है फोन का कैसा देखने को मिल जाएगा। तो ये है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A31, जहां पर हम जो है लुक एंड फील की बात करते हैं तो ये फोन जो है काफी लाइट वेट लग रहा है मुझे। एंड बात करते हैं इस फोन के बैक डिजाइन की, तो कॉर्नर पे जो है लगाया गया है यहां पे 4 कैमराज जो कि है यहां पे आपको मेन कैमरा मिलेगा जो कि है 48 मेगापिक्सल का। कैमरे की जो हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं तो आपको जो है डिजाइन कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिलेगा। इसका जो कलर है वो काफी प्यारा बनाया गया है, मतलब हम यहां पे देख रहे हैं कि जो सैमसंग गैलेक्सी A51 का जो है डिजाइन देखने को मिलता था वही है सैमसंग A31 में भी डिजाइन एंड यहां पर जो है सैमसंग की ब्रांडिंग की गई है। बात करते हैं फोन के लेफ्ट साइड में, आपको मिल जाती है यहां पर सिम ट्रे, इसमें आप जो है 2 सिम कार्ड के साथ में मेमोरी कार्ड भी जो है लगा सकते हैं। फोन के ऊपर की साइड में जो है कोई भी की और कोई भी स्लॉट आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। फोन के राइट साइड में आपको मिल जाता है यहां पर पावर ऑन ऑफ की एंड वॉल्यूम अप डाउन की एंड फोन के नीचे साइड की बात करते हैं तो आपको मिल जाएगा यहां पर चार्जिंग स्लॉट, 3.5mm जैक एंड आपको जो है स्पीकर जो है देखने को मिल जाएगा। तो कर लेते हैं फोन को जल्दी से स्टार्ट और देखते हैं कि परफॉर्मेंस जो है कैसा देखने को मिलेगा। जब तक ये फोन को जो है मैं बूट कर लेता हूं तब तक आप जो है वीडियो को लाइक करके बता दो कि आपको जो है कैसा इसका जो है डिजाइन लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है जरूर से बता देना। फाइनली जो है हो गया है फोन बूट, जो कि है यहां पर 6.4 इंच का आपको जो है डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जो कि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करते हैं तो वो 20:9 का जो है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। बेजल्स वाइज अगर बात करते हैं तो काफी जो है कम बेजल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं इस फोन को यूज कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि ये फोन जो है चौकोर शेप में जो है बनाया गया है। अब मुझे यहां पे लग रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी A51 और सैमसंग गैलेक्सी A31 की बात करते हैं तो सिर्फ डिजाइन का फर्क है, मतलब यहां पे आपको जो है वाटर ड्रॉप नॉच जो है देखने को मिलती है और A51 के अंदर आपको जो है पंच होल स्क्रीन जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर हम बात करते हैं चौकोर शेप की तो वही जो है शेप बनाया गया है जो कि सैमसंग गैलेक्सी A51 में आपको जो है देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहां पर यूज किया गया है जो कि है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। अब यहां पर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, अगर ये वॉलपेपर ऑन है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पे जो है कलर रेशियो जो है थोड़े से डार्क दिखाई दे रहे हैं एंड आउटडोर विजिबिलिटी मतलब जो है ब्राइटनेस जो है थोड़ी सी ज्यादा आ रही है। करता हूं इसमें एक वीडियो प्ले और देखते हैं कि वीडियो का परफॉर्मेंस जो है कैसा देखने को मिलेगा और यहां पर जो है एक्यूरेट परफॉर्मेंस जो है कैसा मिल पाएगा इस सैमसंग गैलेक्सी A31 के साथ में। अगर यहां पर आप जो है वीडियो का परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको जो है देखने को मिल जाता है जो कि है 1080 पिक्सल पे ये वीडियो प्ले है यूट्यूब पे, मतलब ऐसी कोई दिक्कत सी देखने को नहीं मिलेगी। क्वालिटी वाइज की बात करते हैं तो सुपर एमोलेड साथ में आपको जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है इसमें देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं प्राइस सेगमेंट की, 22,000 रुपए का क्या आपको फोन वर्थफुल लग रहा है
है या फिर जो है नहीं, ये भी आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर हम कैमरा परफॉर्मेंस की तरफ, जहाँ पर कैमरा यूज किए गए हैं 4 कैमरास, जो कि है मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, जो कि काम करता है यहाँ पे f2.0 अपर्चर के साथ में। यहाँ पर आप इमेज देखिए, ये वाली जो इमेज कैप्चर की गई है वो है मेन कैमरे के साथ में। बात करते हैं सेकेंडरी कैमरा की, जो कि है अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ में। अब यहाँ पर अल्ट्रा वाइड आपको जो है 123 डिग्री जो है एरिया कवर करता है। ये वाली इमेजेस आप जो है देख सकते हैं, जो कि 123 डिग्री पे कैप्चर की गई है। थर्ड वाला कैमरा आपको मिलेगा जो कि है 5 MP का, जो कि है मैक्रो लेंस के साथ में। एंड यहाँ पर आप जो है इमेज देख ही सकते हैं मैक्रो लेंस की भी। फोर्थ वाला कैमरा आपको जो है डेप्थ को कवर करने के देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा 5 MP का, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे ही रहा है। तो ये थे सैमसंग गैलेक्सी A31 से कैप्चर किए गए इमेज। तो कैसा लगा आपको ये इमेजेस, तो बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से। बात करते हैं फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस की, वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर लगाया गया है, जो कि है यहाँ पे मेन कैमरा 20 MP के साथ में। अब यहाँ पर आप जो है इमेजेस ये वाली देख ही रहे हैं, जो कि फ्रंट कैमरा से कैप्चर की गई है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। नो डाउट मैंने यहाँ पे जो है नोटिस किया, फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा परफॉर्मेंस जो है ऑल ओवर यहाँ पे जो है काफी बेस्ट मिलता है मुझे, मतलब आप यहाँ पे खुद ही जो है यहाँ पे देख सकते हैं इमेजेस के साथ में। और अब हम बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर जो है आपको एक ही वेरियंट जो है अभी तक इंडिया में देखने को मिलेगा, जो कि है 6GB 128GB, जिसमें चिपसेट यूज किया गया है वो है हेलियो का P65। अब यहाँ पे हम जो है एंटीडू बेंचमार्क स्कोर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है 1,47,000 प्लस आपको जो है यहाँ पे स्कोर जो है देखने को मिलेगा, जो कि स्कोर आप देख सकते हैं 1,42,725, मतलब आपको जो है यहाँ पर हेलियो P65 के साथ में आपको जो है ये स्कोर देखने को मिलता है। जहां पर हम पबजी टेस्ट करते हैं और परफॉर्मेंस देखते हैं कि यार पबजी का जो है कैसा परफॉर्मेंस आपको जो है देखने को मिलेगा। और इसके अलावा बात करते हैं हम यहाँ पे फोन के सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में। चलते हैं हम फोन के सिक्योरिटी के अंदर लॉक स्क्रीन और यहाँ पे रजिस्टर करते हैं अपना फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक, और देखते हैं कि यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि ऑन स्क्रीन के साथ में आपको जो है कैसा देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर जो है कंटिन्यू किया और कन्फर्म किया, कन्फर्म करने के बाद में रजिस्टर करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर, कैसा परफॉर्मेंस आपको जो है सैमसंग गैलेक्सी A31 के अंदर आपको जो है देखने को मिलेगा। हमने कर लिया है यहाँ पे फिंगरप्रिंट को रजिस्टर, देखते हैं इसको अनलॉक करके कैसा परफॉर्मेंस आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है नो डाउट आपको जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है देखने को मिलेगा। अगर मैं उसके पुराने फोन से कंपेयर करता हूँ तो उससे यहाँ पे जो है माइनर सा जो है फास्ट हम बोल सकते हैं इसको, मतलब अगर मैं सैमसंग गैलेक्सी A51 से कंपेयर करता हूँ तो उसके जैसा ही है। लेकिन अगर सैमसंग के ही किसी और फोन से कंपेयर करता हूँ, जो कि ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आते हैं बजट सेगमेंट वाले फोन में, तो वहां से जो है थोड़ा सा आपको जो है फास्ट देखने को मिलता है इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर। बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस की, आपको जो है सैमसंग गैलेक्सी A31 में जो है 5000mAh की जो है बैटरी देखने को मिलेगी। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको जो है 15 वॉट का आपको जो है इनबॉक्स चार्जर मिलता है। एंड बैटरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको जो है 10 से 11 घंटे का जो है इजीली परफॉर्मेंस दे सकता है। तो बस यार ये थी डिटेल अनबॉक्सिंग सैमसंग गैलेक्सी A31 की। तो बस यार ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कि आपका क्या मानना है सैमसंग गैलेक्सी A31 फोन्स के बारे में। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स जो देखने को मिलते रहेंगे। नहीं था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।